जो पटेटो का बना होता है अब मुझे पता नहीं है ये खाते डेकोरेशन और डीजे भी फ्री पंख लग सकते हैं नकली हेलो मेरे को ज्यादा ही लंबे हो मसाला चाप एंड बटर रुपीस रुपीज पिज्जा मोमोज मिल रहे हैं आपके पास गिटार शो पीस के लिए गाय बजता भी है

जो एक ही बाइट में स्वाद दे दे वो कहाँ मिलता है जी हाँ वो मिलता है में में। वन बाइट भाई इनके क्या क्या चीजें हैं जो वन बाइट में ही टेस्ट आ जाता है खाकर तो आ जाओ मेरे साथ आहा, क्या सुंदर सा इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है आओ चलते हैं ऊपर और देखते हैं क्या क्या है इनके पास तो भाई ये है इनका क्यूट सा रेस्टोरेंट जिसका नाम है वन बाइट भैया क्या हाल है आपका बढ़िया मैम बढ़िया हो कहाँ से हो नेपाल से नहीं असम से हो असम से हो है असम की चाय नहीं लेके आए हमारे लिए नहीं मैम <laughs> इधर नहीं मिलता इधर नहीं मिलता इधर वन बाइट मिलता है अच्छा मैंने सुना आपके पास ऐसी चीजें हैं ऐसा खाना है कि एक ही बाइट में खा के टेस्ट आ जाता है सच है

आप भी आसाम से वो हाँ। जो पीछे भैया मिले थे, वो भी आसाम से चार आपको समझ आती है अच्छा जैसे हम बोलते हैं क्या बोलते है कुल्लुबाई बोलते है कुलुम्बाई अच्छा ठीक है कुलुम्बाई मैं आपको बोल अच्छा थैंक यू थैंक यू तो भाई इनका मेन्यू हमारे पास आ गया वन बाइट वालों का मेन्यू हमारे पास आ गया अब देखते हैं क्या खज़ाना छुपाया हुआ है इन्होंने अंदर अच्छा तो ये है वेज सूप नॉन वेज सूप अच्छा वेज भी है नॉन वेज भी है और ये क्या है डिम्सम आह यार ये डिम्सम मोमोज का नाम सुन के ही ना मेरे मुंह में पानी आने लग जाता है देखते हैं कौन से कौन से मोमोज़ हैं इनके पास एग्जॉटिक स्टीम एग्जॉटिक फ्राई डीप फ्राई पैन फ्राई एग्जॉटिक पिज्ज़ा सिक्स पीसेस ये क्या चक्कर है इन्होंने इनका मेन्यू मुझे लग रहा खराब हो गया हुआ, को दिया हुआ के में। इतना ना है पास। ये पीज़ा, अरे पिज्जा मोमोज के बीच में कैसे डालोगे आप मैम टॉपिंग पिज्जा की जैसी रहेगी मोमोज डालेंगे शेप अच्छा, है? मतलब सही में मतलब के बीच में आप पिज्जा दे रहे हो पिज्जा मोमोज मिल रहे हैं आपके पास यार ये वन वाइट वाले ना मुझे लग रहा है कोई और ही चीज़ें बना के बैठे हुए हैं मतलब पिज्ज़ा मोमोज वाओ पहली बार सुना मैंने ये और क्या क्या चीज़ें अच्छा पिज़्ज़ा मोमोज आप लगाओ एक प्लेट मेरे लिए ठीक है ट्राई करने पड़ेंगे भाई ये पिज़्ज़ा मोमोज है क्या ठीक है चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा भाई कॉन पिज़्ज़ा इन्होंने ना मोमो प्लस पिज़्ज़ा कट्ठे ही दे रहे हैं यार सारी चीज़ें चलो ठीक है नॉन वेज भी है नॉन वेज मैं खाती नहीं लेकिन आपको बता रही हूँ कि क्या क्या है इसमें भी सेम चीज़ें हैं नॉन वेज में तो भाई ये आगे इनके रोल्स भाई रोल्स भी मुझे ना बहुत टेस्टी लगते हैं चलो देखते हैं इनके पास कौन से कौन से रोल हैं वेज काठी रोल मैंने ट्राई किया हुआ है वेज मंचूरियन रोल ये मैंने ट्राई नहीं किया हुआ मलाई टिक्का रोल और यार इनके प्राइजेस देखो कितने सस्ते हैं जरा कैमरा मैन आ गया हो ये देखो वन टेन का ये काठी रोल दे रहे हैं और मैंने मलाई चाप मैं आपको एक चीज बताऊँ चाम्प रोल मैंने एक जगह खाया था और वो चाम्प रोल पता कितने का था वो चाम्प रोल था टू थर्टी का मैं खा के आई थी टेस्ट था नो no डाउट टेस्ट था लेकिन टू थर्टी मुझे वर्थ नहीं लगा था और अब देखो यहाँ पे सेम चाप रोल कितने का है? वन थर्टी सौ रुपये का फ़ायदा वन बाइट वालों ने भाई सस्ती चीज़ें और मतलब नई नई चीज़ें निकाली हुई हैं तो भाई इनकी वेज थाली मैंने सुना बड़ी सस्ती है और वो सिर्फ वन फोर्टी नाइन रुपीज़ में मिल रही है और मुझे लग रहा है कोई घपला कर रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता वन फोर्टी नाइन में ये इतनी बड़ी थाली जो कि थाली में कितनी सारी चीज़ें होती हैं किसी को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कोई है हेलो भैया कैसे हो भैया आप ठीक है मैं। अच्छा भैया मुझे ये बताओ मैंने सुना है आपके वन बाइट में एक थाली मिल रही है जो वन फोर्टी नाइन रुपीज की है, है मैं, 149. खाली चावल डाल के दे देते होंगे नहीं मैम नान भी देते हैं नान भी देते हैं सब्जियाँ नहीं देते होंगे फिर खाली चावल और नान दे देते राजमा देंगे या दाल देंगे राजमा और दाल भी देते हो राजमा ज्यादा दोनों में से एक ऑप्शन होता है, है। देते देते हो? होता, ठीक है और क्या, क्या देते हो जो फ्रेश बनता है ठीक और फिर मिक्स वेज मिल जाती है अच्छा मिक्स वेज भी देते हो हां और कढ़ाई पनीर मिल जाएगा कढ़ाई पनीर भी देते हो अच्छा बटर नान मिल जाएगा साथ में अच्छा बटर नान तो वैसे ऐड था और और रायता मिल जाएगा साथ में रायता भी और, मिलेगा और सैलेड भी मिलेगा उसके सैलेड भी मिलेगा भाई ये ऑनियन तो। और पिकल मिलेगा उसके साथ अच्छा अच्छा अचार अच्छा। मिलेगा अच्छा। और प्याज भी मिलेगा भाई अचार और प्याज के शकीन लोगों और मैं आपको बोल रही हूँ ये तो मतलब बिल्कुल वर्थ है है ना 149 149 बिल्कुल है कोई टैक्स नहीं है इसके ऊपर पे 149 ऐसा तो नहीं है कि लोग हमारे कहने पर आए यहाँ पे आप बोलो भाई 200 की थाली थी ये तो झूठ बोल करके कोई भी आएगा 149 पे वीडियो देख के आए ऐसे आए जैसे मर्जी आए 149 पे ही मिलेगी यार 149 की थाली जिसमें ये कढ़ाई पनीर मिक्स वेज नान, नान, चावल, नान चावल और क्या क्या था और कढ़ाई पनीर और क्या क्या था और सैलेड सब कुछ दे रहे हैं यार ये वन वाइट वाले मतलब पैसा ज्यादा तो नहीं आ गया आपके पास

भाई कॉम्बोज के बड़े शकीन लोग हैं क्योंकि ना स्टूडेंट बेचारे आते ही हर जगह कॉम्बो देखते हैं कहीं कॉम्बो मिल जाए <laughs> तो ये देखो भाई इनके कॉम्बो पर कितने सस्ते सस्ते कॉम्बो हैं वेज नूडल और मंचूरियन किसी ने खाने हो तो वन सेवेंटी में वो उनको मिल जाएगा और सबसे सही चीज़ मुझे पता क्या लगी इनकी ये देखो मसाला चांप एंड बटर नान ओनली रुपीज़ वन सिक्सटी एक सौ साठ रुपये में आपको ये मसाला चांप भी दे रहे हैं और साथ में नान भी दे रहे हैं भाई क्या मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा मिलेगा वन बाइट में मिलेगा अब चलते हैं इनका वन बाइट घूमते हैं है कैसा है, वाइब तो अच्छी है यहाँ की है देखते हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए भी कुछ है या नहीं है ओ भाई यहाँ पे गिटार भी लगाया हुआ है भैया गिटार ऐसे शो पीस के लिए है बजता भी है मुझे तो तो ना बजाना नहीं आता भैया <laughs> लेकिन सीख जाऊंगी और जब सीखूंगी ना यहाँ पे आऊंगी पहले को जाने के लिए ठीक है अच्छा यहाँ पे कोई खड़ा भी है इनसे भी बात करते हैं हेलो हेलो मेरे कुछ ज्यादा ही लंबे हो ज्यादा नहीं छह फुट छे फुट कम होती है जो चार फुट, फुट का हो ना उसके है। अच्छा मुझे मतलब ये बताओ आप यहाँ वन बाइट पे आए हो यहाँ से कब से आ रहे हो यहाँ पे यहाँ पे मैं की में, अच्छा। तो आना जाना लगा रहता। खाते भी हो या फिर देलिवर, देलिवर जो कैंसिल हो। होता वो खा लेते है <laughs> होता वो खा लेते हैं अच्छा कैसा लगता है इनका यहाँ का खाना मतलब और कोई वर्ड है आप भी बोल

अगे परेशान हो ये नान बनाई बनाई तो नहीं फुट हाइट ऐसे कोई बोल नहीं सकता <laughs> खौफ रखा हुआ हाइट देख के लोग डर जाते हैं <laughs> तो चलो सही है अब घूमते हैं ऊपर देखते हैं इनका ऊपर भी एक हॉल है तो आ जाओ मेरे साथ भाई देखो कितना मतलब मैं बोल रही हूँ कि इतनी अच्छा भाई मेरे को ना इनकी थीम तो एक बड़ी सही लगी ये ब्लैक ब्लैक और ये देखो पंख भी लगाया हुआ इन्होंने नकली पंख पंख भी आ, यहां पे आ आ, फोटो भी पे 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 फोटो सकते हैं ठीक है 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 आपको लग तो ये ओ, पे ये इन्होंने जो हॉल बनाया देखो कितना डेकोरेशन के लिए कोई भैया एक मिनट आओगे भैया ये जो आपने बनाया हुआ ये पूरा हॉल और ये इतना प्यारा सा वन बाइट लिखा हुआ ये किस लिए बनाया हॉल आपने ये बर्थडे पार्टी में पार्टीज के लिए अच्छा मतलब वैसे हॉल तो काफी बड़ा फोर्टी फिफ्टी मेंबर आ जाते होंगे लेकिन ये स्पेशली आपने बर्थडे पार्टीज किटी पार्टीज फैमिली फंक्शन है ना बिल्कुल तो क्या रहते हैं चार्जेस कोई नहीं है पर प्लेट के हिसाब से है, 750 से, से फ्री है। के कोई आ, चार्ज कोई नहीं लगेगा और प्लस हम डेकोरेशन और डीजे भी देते हैं फ्री डेकोरेशन और डीजे भी फ्री चार्ज भी कोई नहीं यहाँ पे आप पार्टी मुफ्त में कर सकते हो लेकिन जो पैसे लगे वो क्या लगेंगे प्लेट के चार्ज प्लेट के चार्ज यार ये वन बाइट वाले क्या भैया पैसा ज्यादा आ गया कहीं इन्वेस्ट करना है? ये क्या चक्कर है क्या मतलब का प्यार चाहिए थोड़ा करना है और फिर भी बहुत है एक तो थाली डेढ़ सौ की लगाई हुई है भी नहीं ठीक है ऊपर से आप ये यहाँ पे डेकोरेशन दे, फ्री देते हो डीजे फ्री देते हो पार्टीज भी फ्री है सिर्फ थाली के पैसे लगेंगे तो गाइज ये हमारा ऑर्डर हमारे सामने आ गया है इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ ये दे है टोर्नाडो जो तो पटैटो का बना होता है अब मुझे पता नहीं है ये खाते कैसे हैं और ये है हमारे पिज्ज़ा मोमोज जिसमें सिक्स पीसीज हैं आप देख सकते हैं और ये है हमारी वर्ल्ड की सबसे सस्ती थाली मैं बोलती हूँ ऐसी थाली अब कहीं मिल ही नहीं सकती और ये वेज थाली जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और ये है हमारे शेक्स ये है किट शेक और ये है वाटरमेलन ड्रिंक तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या खाऊँ सबसे पहले ये टोनाडो ट्राई करती हूँ आलू की चिप्स है पता नहीं क्या फॉरेन वाले नाम दे दिए है टोर्नाडो तो चलो खाते हैं आपको बताती हूँ कैसा है तो भाई खाने में तो मेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा खाली चिप्स थी लेकिन ऊपर जो मसाले पड़े थे वो बहुत ज़्यादा औसम थे तो गाइज़ ये हैं हमारे पिज्ज़ा मोमोज जो मैंने जम्मू में कहीं भी ट्राई नहीं किए मेरे को यहाँ पर जब मैंने ट्राई किए वन बाइट में मुझे टेस्ट लगे अब पता नहीं आपको टेस्ट लगेंगे कि नहीं लगेंगे बट मुझे लगता है कि टेस्ट लगेंगे तो भाई नेक्स्ट चीज़ ट्राई करते हैं ये है हमारा किट कैट शेक तो चलो भाई ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी है तो गाइज़ शेक तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था लेकिन किट कैट शेक है तो किट कैट खाए बिना शेक का मज़ा लेना यू नो अधूरा सा लगता है तो भाई शेक तो बहुत टेस्टी था और ये है हमारी सबसे वर्ल्ड की सबसे सस्ती थाली जो कि मात्र वन फोटी नाइन रुपीज़ की थी और इसमें बहुत सारी चीज़ें थी ये है राजमा आप देख सकते हैं कितने घने घने राजमा है नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ये है कढ़ाई पनीर जो अभी ही कढ़ाई से उतरा हुआ है ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी, भी बहुत अच्छी आ रही है और नेक्स्ट मैं आपको बता दूं ये है हमारी मिक्स वेज जिसमें मुझे पनीर ही पनीर दिखाई दे रहा है चलो ट्राई करते रहो आपको बताती हूँ कितनी ज़्यादा टेस्टी है तो गाइज़ नान और राजमा सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और वर्थ थे मैं आपको बता सकती हूँ कि मतलब मुंह में जाते ही ना ऐसे स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा था खाकर बहुत टेस्टी लगा मुझे चलो भाई इनका कढ़ाई पनीर भी ट्राई करते हैं ये तो टूट ही नहीं रहा मेरे से तो गाइज़ इनका कढ़ाई पनीर भी ना जो कि बहुत ज़्यादा आसम था और मैं आपको मतलब आप कह सकते हो कमाल धमाल बेमिसाल और इसके बाद मैं यू नो मिक्स वेज भी टेस्ट करके बताती हूँ आपको कितना ज़्यादा टेस्टी है देखो हर जगह इन्होंने पनीर ही घुसेड़ा हुआ है चाहे कुछ भी हो गए सच्ची में मतलब मैं कह रही हूँ कि सारी चीज़ें बिल्कुल वर्थ हैं आप आओ यहाँ पर खाओ वन में आपको इतनी सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलने वाली कर्ड भी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितना ज़्यादा टेस्टी है तो गए रायता भी इनका मतलब बहुत टेस्टी था और ये जो है ना ये मतलब ये वाटर ये मैलन। मैलन। शेक। सब कुछ बहुत टेस्टी है मैं तो कहती हूँ आओ खाओ, खाओ मजे से खाओ चैटर बॉक्स की तरफ से आओ मैं पहले बोल रही हूँ चैटर बॉक्स की तरफ, से तरफ से ते ते जरूर मिलेगा और, और खाओ और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहो वो मैं गिरने वाली थी और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए दा वॉक्स बाय बाय गाइज